बस भैया खड़े खड़े इतनी हेल्प कर सकते हैं, तो मैं बता यही करने के लिए आप आएंगे तो बोलेंगे क्या जा रहा है। जय जी राधे कृष्ण। मिल गया वोट देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है वोट प्रक्रिया, और आज उसी के तहत एज ए प्रत्याशी मैंने अपनी वोट डाली, और मैं समझता हूँ कि रुझान मेरी तरफ दिख रहा है। सब लोग लाइनों में खड़े हैं और सब लोगों की आँखों की जो रोशनी है वो ये बता रही है कि मुझे वो वोट कास्ट कर रहे हैं। क्योंकि कृष्णनगर का मैं निवासी हूँ, तो कृष्णनगर के लोग स्थानीय प्रत्याशी, मोहल्ले वाले प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे। और चूँकि पूर्ववर्ती जो मंत्री रहे हैं या जिन्हें पिछली बार MLA चुना गया, वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहे पब्लिक के लिए, और उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपने आप को एक तानाशाह के रूप में प्रस्तुत किया, ना जनता से ठीक से बात करी, भांजे भतीजे भाई छोड़ रखे थे उन्होंने, भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा थी, विकास के नाम पर शून्यता थी। तो मैं यहाँ 20 साल MLA रहा हूँ, तो लोगों को चित परिचित लोग हैं और सब एक दूसरे को मुझे जानते हैं। मैं पब्लिक की पल्स को जानता हूँ, पब्लिक मेरी पल्स को जानती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी कृपा है यमुना जी की, बिहारी जी की, द्वारकाधीश जी की, गिरिराज जी की, और उनके आशीर्वाद से, और जनता सर्वोपरि है उसके आशीर्वाद से मैं विजयी होऊंगा। श्रीकांत शर्मा सुबह ही गिरिराज जी की सभा में पहुंच गए, पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने वोटिंग किया। तो पूजा अर्चना तो हर प्रत्याशी करते हैं। मैं भूतेश्वर बाबा के अपने शहर के कोतवाल के संरक्षण में, नमस्ते, शहर के कोतवाल के संरक्षण में पहुँचा, वो गिरिराज जी पहुँचे। तो गिरिराज जी सर्वोपरि है, परंतु कल मैंने बिहारी जी को पहले ही मना लिया था, और कल सारे देवी देवताओं को पूजा करता रहा, अपने वोट पक्के करता रहा। तो अब वो गांठौली जाएँ, गांठौली के हैं, वही पूजा करें, वही धुनी रमाएँ, अब राधे राधे हो गई है उनकी।